Hello students, welcome back to your online video classes. Hopefully all of you are doing good and taking care of yourself. तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर है फ्लोटेशन. मतलब आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कशन करेंगे दैट इज फ्लोटेशन, है ना. ये आपका 5 चैप्टर 5 सी है आई गेस. ओके, तो हेडिंग लगाते हैं बच्चों, दैट इज फ्लोटेशन. ओके, फ्लोटेशन के बारे में बच्चों हम लोगों ने कुछ कुछ तो पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है. आर्किमिडीज प्रिंसिपल जब हम लोग पढ़ रहे थे तब हम लोग ने ये देखा था कि अगर जैसे सपोज कर लो एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम लोग किसी एक लिक्विड में डाल रहे हैं, ठीक है. जैसे मान लो ये लिक्विड है, ओके, और जैसे सपोज हमने ऑब्जेक्ट को डाला लिक्विड के अंदर, और सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट इज जी एंड दिस इज द सेंटर ऑफ बुएंसी दैट इज बी. ओके, अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है बच्चों? वो पॉइंट जहां से बॉडी का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और सेंटर ऑफ बुएंसी क्या होता है? वो पॉइंट जहां से अपथ्रस्ट अपवर्ड एक्ट करेगा, है ना. अच्छा, फिर हम लोगों ने कंडीशंस पढ़े थे. क्या कंडीशंस था ना? अगर सपोज कर लो जो अपथ्रस्ट है ना, दैट इज मैक्सिमम अपथ्रस्ट दैट इज एफ डैश बी, अगर वो ग्रेटर देन वेट हो गया तो बॉडी फ्लोट करेगा विथ सम पोर्शन ऑफ इट आउटसाइड द लिक्विड. और अगर एफ डैश बी इक्वल टू वेट हो गया तो बॉडी फ्लोट करेगा, बॉडी जो है वो जस्ट लिक्विड के सरफेस के नीचे आ जाएगा और फ्लोट करेगा. और फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि एफ डैश बी दैट इज द मैक्सिमम अपथ्रस्ट, अगर वो लेस देन वेट हो गया तो बॉडी सिंक कर जाएगा. इन दोनों केसेस में फ्लोट करेगा और इस केस में सिंक कर जाएगा, है ना, इस केस में सिंक कर जाएगा, है ना. ये सारा चीज हम लोगों ने पढ़ चुका है बच्चों. और उसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अगर बॉडी फ्लोट करता है विथ सम ऑफ इट्स पोर्शन आउटसाइड द लिक्विड, इट मीन्स दैट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड. द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ये भी हम लोगों ने पढ़ा. फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अगर एफ डैश बी इज इक्वल टू वेट होता है, इट मीन्स दैट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, है ना. फिर हम लोगों ने पढ़ा दैट इज अगर बॉडी फ्लोट करता है, सॉरी, अगर बॉडी सिंक कर जाता है, इट मींस दैट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड. तो ये सारा चीज बच्चों हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है. ओके, तो आज हम लोग फ्लोटेशन का जो नया टॉपिक है, ठीक है, और जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किस चीज के बारे में, एपरेंट वेट के बारे में, और फिर रिलेशन देखेंगे कुछ वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी एंड द डेंसिटीज ऑफ लिक्विड एंड द बॉडी, ठीक है. तो ये हम लोगों को आज देखना है. ओके, तो बच्चों देखो, सबसे पहले जब कोई बॉडी फ्लोट करता है, ठीक है, व्हेन ए बॉडी floats, okay, when a body floats that means hum log keh sakte hain the apparent weight of that body is zero. मतलब बॉडी लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, सपोज इस तरीके से ये लिक्विड है बच्चों, और सपोज कर लो बॉडी इस तरीके से फ्लोट कर रहा है, तो उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और जो अपथ्रस्ट है बच्चों वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, है ना. क्योंकि बॉडी पूरा नहीं डूबा है, दैट मीन्स थोड़ा सा डूबने के बाद ही अपथ्रस्ट वेट को बैलेंस कर लिया. मतलब एफ बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, है ना. तो नेट डाउनवर्ड फोर्स एंड नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल हो गए, तो रिजल्टेंट फोर्स दैट इज एफ रिजल्टेंट, ठीक है, विच इज अपेरेंट वेट, विच इज अपेरेंट वेट,
वो कितना हो जाएगा बच्चों, ना जीरो, ठीक है। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वेट, अपवर्ड फोर्स लग रहा है एफ बी, ठीक है, और ये दोनों ही बराबर है, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। दैट मीन्स वेट जो है अपेरेंट वेट है ना, ऐसा हमें फील होगा कि वो वेटलेस हो गया है, वो बॉडी कैसा हो गया है, ना वेटलेस, ओके। अच्छा, उसके बाद देखेंगे बच्चों द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी, ओके, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड। इन सब के बीच में बच्चों रिलेशन क्या है, है ना। अच्छा, जैसे सपोज कर लो, अगेन हम लोग ये कहते हैं, जैसे सपोज कर लो एक हम लोगों ने कंटेनर में लिक्विड लिया, ठीक है, एक कंटेनर में सपोज कर लो हम लोगों ने लिक्विड लिया, ओके, और बच्चों एक बॉडी को रखा, और सपोज कर लो वो बॉडी का कुछ पोर्शन पानी के, यानी कि लिक्विड के अंदर है, पानी नहीं, पानी होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, और कुछ पोर्शन लिक्विड के बाहर है, ठीक है ना, कुछ पोर्शन लिक्विड के अंदर है और कुछ पोर्शन लिक्विड के बाहर है, ठीक है। अच्छा, जो पोर्शन, अब इसका टोटल वॉल्यूम है ना, जो बॉडी है इसका टोटल वॉल्यूम कितना है ना, सपोज कर लो कैपिटल वी, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया ना, उसे हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल वी से, ठीक है। अब देख सकते हो कुछ वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, जितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है उसे हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल वी से, ठीक है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनसाइड द लिक्विड, है ना, एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज कैपिटल वी, ये चीज याद हो गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा बच्चों ना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड सपोज हम लोग रॉ एल बोले, एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड सपोज रॉ एस, ठीक है। अच्छा, बॉडी फ्लोट कर रहा है, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो अपथ्रस्ट इस पे लग रहा है ना, वो उसके वेट के बराबर है, ठीक है। अगर बॉडी, सिंस द बॉडी इज फ्लोटिंग, सिंस द बॉडी इज फ्लोटिंग, वी कैन से दैट एफ बी इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। अच्छा, एफ बी कैसे निकालते हैं बच्चों ना, इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, है ना, ठीक है। ये सारा काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं बच्चों, है ना। अच्छा, कितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा ना, देखो ये सॉलिड कितना लिक्विड के अंदर गया है, दैट इज स्मॉल वी, है ना, तो वॉल्यूम स्मॉल वी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रॉ एल, ठीक है, एंड ग्रेविटी का वैल्यू सपोज जी, ठीक है, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कैन बी रिटन एज वी इंटू, दैट इज स्मॉल वी, है ना, कितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा बच्चों ना, स्मॉल वी इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू ग्रेविटी, है ना, एंड वेट ऑफ द सॉलिड वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वेट ऑफ द सॉलिड वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दैट इज कैपिटल वी इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू ग्रेविटी, है ना। अब क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, सिंस बॉडी फ्लोट कर रहा है, ठीक है,
ड्यूरिंग फ्लोटेशन वी कैन से दैट, ड्यूरिंग फ्लोटेशन वी कैन से दैट वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस दैट इज स्मॉल वी इंटू रॉ एल इंटू जी इज इक्वल्स टू कैपिटल वी इंटू रॉ एस इंटू जी. बोथ साइड से बच्चों जी और जी हो गया कैंसल. ठीक है, अब इस कैपिटल वी को इधर ले आओ डिवाइड हो जाएगा, इस रॉ एल को इधर ले जाओ डिवाइड हो जाएगा. तो स्मॉल वी बाई कैपिटल वी इज इक्वल्स टू रॉ एस बाई रॉ एल. ठीक है, इज इक्वल टू रॉ एस बाई रॉ एल. दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, है ना, जहां पर स्मॉल वी क्या है ना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन साइड द लिक्विड, कैपिटल वी क्या है टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, रॉ एस क्या है डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड रॉ एल क्या है डेंसिटी ऑफ लिक्विड. तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, और इसे यूज करके हम लोग बहुत सारे क्या मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो इस चीज को देखो हम लोग स्टेटमेंट के आकार में लिख देते हैं. तो स्मॉल वी की जगह हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाई, स्मॉल वी क्या है बच्चों कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाई दैट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी. इट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दैट इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड. ओके, सो दिस इज द रिलेशन दैट वी हैव एस्टेब्लिश्ड बिटवीन हुम, बिटवीन द वॉल्यूम दैट इज सबमर्ज्ड इनसाइड द लिक्विड, द टोटल वॉल्यूम, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड. ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं एक इस चीज को समझने के लिए. एग्जाम्पल, ओके, एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल दिया है हम लोगों को ए ब्लॉक ऑफ वुड. ठीक है, एक वुड का ब्लॉक है बच्चों. ठीक है, एक वुडन ब्लॉक है. अब हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, हम बस यहाँ पर डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम यानी कि कैपिटल वी कितना दिया है, दैट इज 25 cm³, फ्लोट्स ऑन वाटर विद 20 cm³ ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्ज्ड, यानी कि पानी के अंदर कितना वॉल्यूम है उसका, दैट इज 20 cm³. ओके, टोटल वॉल्यूम कितना है बच्चों 25 cm³, और पानी के अंदर यानी कि कितना डूबा हुआ है, दैट इज 20 cm³. कैलकुलेट द डेंसिटी एंड द वेट ऑफ द ब्लॉक ऑफ द वुड. ओके, अच्छा हम लोगों को यहाँ पर लेना पड़ेगा क्या, दैट इज डेंसिटी ऑफ व्हाट वी कैन से वाटर. ओके, वन कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, अच्छा फिलहाल देखो वो क्वेश्चन में क्या पूछा है ना, डेंसिटी ऑफ, हम लोगों को निकालना क्या है. हाँ, एक चीज याद रखोगे, हम आपको बोले थे डेंसिटी ऑफ वाटर बच्चों अगर नहीं भी दिया है तो 1 g/cm³ हम लोग ले सकते हैं. ठीक है, और अभी अभी हम लोगों ने, अब वो हमसे क्वेश्चन पूछा है पहला बिट में क्या डेंसिटी ऑफ वुड कितना होगा. ठीक है, डेंसिटी ऑफ वुड, डेंसिटी ऑफ वुड मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड. ओके, अभी अभी हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा बच्चों, दैट इज स्मॉल वी बाई कैपिटल वी इज इक्वल्स टू रॉ एस बाई रॉ एल. ठीक है, अच्छा दैट इम्प्लाई स्मॉल वी का वैल्यू कितना दिया गया है, दैट इज 20 बाई कैपिटल वी कितना है, दैट इज 25. इट इज इक्वल्स टू रॉ एस हमें निकालना है बच्चों, रॉ एल दैट इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और यहाँ पर लिक्विड कौन सा है वाटर, तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं 1. ओके, दैट इम्प्लाइज रॉ एस का वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है, देखो इसे हम लोग अगर 5 से कैंसिल करते हैं 4, इसे 5 से कैंसिल करते हैं 5. ठीक है, तो
डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, दैट इज 4/5 विच इज 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला यूज किए हैं, डाटा दिया गया था है ना, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लोगों को से क्या पूछा है बच्चों, द वेट ऑफ द ब्लॉक ऑफ वुड। ठीक है, अच्छा ये पहला बिट हो गया। उसके बाद हम लोगों से वो क्या पूछा है, फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक ऑफ वुड। ठीक है, तो दूसरे बिट में क्या पूछ रहा है, वेट ऑफ वुडन ब्लॉक, वेट ऑफ वुडन ब्लॉक। ठीक है, तो वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इनटू डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक इनटू जी। ओके, तो इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम कितना दिया है, दैट इज 25 इनटू डेंसिटी कितना निकला है, 0.8 इनटू जी। जी का वैल्यू नहीं पुट कर रहे बच्चों, बिकॉज हम लोग आंसर ग्राम फोर्स में लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 25 इंटू 0.8 इज 20 ग्राम फोर्स। तो वेट भी निकल गया है ना, तो बड़ा ही आसान तरीका हो जाएगा अगर हम लोग फॉर्मूला जान पाएंगे और फॉर्मूला को यूज करके आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी से रिलेटेड, दूसरा एग्जाम्पल। हम लोगों को दिया है बच्चों हम लोगों को क्या दिया है, देखो ए ब्लॉक ऑफ वुड, अब हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, ए ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर विथ 2/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम एबव वाटर सरफेस। ओके, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ वुड, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ वुड है ना, ये हम लोगों से निकालने को बोला गया। तो एक लकड़ी का टुकड़ा है बच्चों, ब्लॉक ऑफ वुड, वो पानी में फ्लोट कर रहा है और उसका 2/5 वॉल्यूम पानी के बाहर है, है ना, 2/5 वॉल्यूम पानी के बाहर है, यानी कि ये वाला पोर्शन सपोज कर लो पानी के बाहर है, अंदर कुछ पोर्शन है, पानी के बाहर कुछ पोर्शन है। ठीक है, अबव वाटर, 2/5 अबव वाटर। अगर इस ब्लॉक का टोटल वॉल्यूम अगर हम बोलेंगे बच्चों कितना है, टोटल वॉल्यूम से इट इज कैपिटल वी, तो वॉल्यूम आउटसाइड वाटर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम आउटसाइड वाटर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया है 2/5 ऑफ टोटल वॉल्यूम, दैट मीन्स 2/5 ऑफ वी। ठीक है, या फिर 2/5 ऑफ वी, दैट इज 2V/5। तो अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम आउटसाइड वाटर इतना है, तो वॉल्यूम इनसाइड कितना होगा, वॉल्यूम इनसाइड कितना होगा। ठीक है, टोटल वॉल्यूम बच्चों हम लोगों ने मान लिया कैपिटल वी, बाहर में कितना है, दैट इज 2/5 ऑफ वी, तो अंदर कितना है, ठीक है, वो निकालना है ना हमें, तो स्मॉल वी हम किसे बोलते हैं, दैट इज वॉल्यूम इनसाइड द वाटर है ना, दैट इज द वॉल्यूम इनसाइड द वाटर को स्मॉल वी बोलते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम इनसाइड वाटर दैट इज स्मॉल वी, ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज टोटल वॉल्यूम माइनस दैट इज द वॉल्यूम आउटसाइड, दैट इज 2/5 ऑफ वी। ओके, तो ये कितना निकल कर आएगा बच्चों, 5V माइनस 2V, दैट इज 3V/5, 3V/5। ठीक है, तो स्मॉल वी का वैल्यू पता चल गया, कैपिटल वी तो वी इट्सेल्फ, ओके, कैपिटल वी मतलब टोटल वॉल्यूम वी है और वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड 3V/5 है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोगों से पूछा है कैलकुलेट द डेंसिटी, कैलकुलेट द डेंसिटी, तो हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे बच्चों, हम लोगों को पता है स्मॉल वी बाई कैपिटल वी इज इक्वल्स टू रॉ एस बाई रॉ एल। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर वाटर है तो रॉ एल का वैल्यू कितना होगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, हमने कहा है नहीं दिया जाएगा तो भी हम ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा,
तो अब वैल्यू पुट कर दो, स्मॉल वी की जगह पुट करेंगे 3v/5, 3v/5 होल डिवाइडेड बाई कैपिटल वी, दैट इज ओके। स्मॉल वी की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों, 3v/5 डिवाइडेड बाई कैपिटल वी, इट इज इक्वल्स टू रॉ एस बाई रॉ एल का वैल्यू कितना है 1। अब यहाँ देखो v से v कैंसिल हो गया, ये 5 नीचे आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज 3/5 इज इक्वल्स टू रॉ एस बाई 1, ठीक है, दैट इम्प्लाइज रॉ एस इज इक्वल्स टू 3/5, ओके 3/5 है ना, दैट इज 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके दैट इज 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो आप लोग देख सकते हो बच्चों हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया बच्चों आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने एक फॉर्मूला का डिराइवेशन किया और हम लोगों ने ये भी सीखा कि उस फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है, उसे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव ए नाइस डे।